तो अभी हम जा रहे हैं सुंदरनगर, और आज हम जाएंगे स्कूटी में। काफ़ी टाइम के बाद मैं स्कूटी में बैठूंगी। और हेलमेट लगाना जरूरी है। पानी की बोतल भी नहीं डाली है जी। शिवा बड़ा खुश होगा अगर उसको स्कूटी पे बिठाओगे। हेलमेट लगाना पड़ेगा। हेलमेट लगा के मुझे ऐसे लग रहा है तो फाइनली आपको एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग लेके क्या लगा आज? बड़े पहली बार लगाया आपने हेलमेट, तो आपको तो मेरे को लग रहा था कि आपको एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग आ रही है। सही बोला। तो कैसा लगा आपको एस्ट्रोनॉट बन के? बहुत ही बढ़िया। एस्ट्रोनॉट के सूट्स मैंडेटरी मैंडेटरी है। तो शिवा को गाड़ी में जाने का इतना मजा आ रहा है स्कूल का बस में, स्कूल गाड़ी में, कि शिवा बोल रहा है बस मुझे उसी में जाना है, मतलब आपके साथ नहीं आना है। बड़ी मुश्किल से तो उसको उतारना पड़ता है। जाना नहीं मार्केट आपने? मार्केट नहीं जाना? जाना कोल्ड कैसे घर जाना? किस में? गाड़ी में? ये गाड़ी के लिए उतारना है। तो अभी देखो सारा काम हमारा हो गया है। अभी पतिदेव गए हैं, मेरा एक फ़ोन ख़राब हुआ है उसको दिखाने गए हैं वो, और हम खड़े हैं यहाँ पे स्कूटी में, क्योंकि स्कूटी में हमने सामान रखा हुआ है, सब्ज़ी वगैरह, और इसको कुछ भी खा सकता है इसीलिए, क्योंकि अमाउंट की बहुत होते हैं। अभी देखो बारिश लग गई है खूब तेज वाली, और वहाँ पे रुकना पड़ रहा है, और हम रुके हैं इस पेड़ के नीचे। तो फाइनली देखो हम पहुँच गए हैं घर, और घर में पहुँच के अभी हम जा रहे हैं पुराने घर। सुबह आ गई थी हमसे आगे, क्या क्या किया था सुबह आ करके? पतिदेव ले जा रहे हैं स्पाइडर प्लांट, और मैं शिवा को तोड़ दूंगी अभी। क्यों? हड्डियां तोड़ूंगी। वहां जाएंगे अभी हम, और वापस भी होना है। मुझे इनसे टेंट च्युइंगम से, और मैं इसे दो, ये मैं इसको दुकान लगे से बोलो मैं कभी लेके चलो, मैं इसको लेके गई, बट इसने इसको कोल्ड लॉलीपॉप ले लिया। अभी देखो लग नहीं रहा है कि बारिश हुई है इधर, वो दी हुई थी इधर, सुंदरनगर में तो ठीक ठाक हुई। तो बारिश ना एकदम से पड़ गई थी, हम भीग गए थे, थोड़ा बहुत ही भीगे थे, ज़्यादा तो नहीं भीगे थे। तो फिर उसके बाद हम अभी जा रहे हैं पुराने घर, और क्योंकि इनको कुछ काम था, बाकी मेरे भी कुछ कपड़े वगैरह थे रह गए थे, तो मैंने कहा वो देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम गए नहीं हैं और कपड़ों को हाथ नहीं लगाए, तो आपको पता ही है कि थोड़ा कमरे में सीलन भी रहती है, तो फिर होता ही है कि कपड़े ख़राब होने लग जाते हैं। और वहाँ पर कुछ मेरे शादी के लहंगा वगैरह भी है, मतलब सारी जो पार्टी वेयर कपड़े हैं ना वो वहाँ पर हैं, तो मैंने कहा वो भी देख लेते हैं, बाकी इनको भी कुछ काम था तो वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ शिवा पियो पानी, बैठ के पियो, अरे बैठ के पियो पानी, आप बैठ के पियो, हाँ जाल है तो होने दो, आप बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, नहीं है बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो। दस ठीक है, मैंने बीस क्लिक कर दी है। चलो पापा कहाँ है? वीडियो शूट है, वीडियो शूट। चल चल, हाँ चलो चलो, वेरी गुड। टोपी उठा अपनी पकड़, चलो। खरा मोटा लग रहा है ना? हाँ बोलो। ये देखो बिना पानी के ही चल रहे हैं, इस बार बरसात अच्छी जैसी चल रही है। बरसात नहीं, बरसात नहीं है, बट बरसात की तरह लग रहा है। आलू भी है यहाँ, इतनी हरियाली नहीं होती थी कभी भी जी। ये अखरोट है, है ना, सूखा पड़ा था आजकल। पोर्टुलाका का बॉय ब्रेड, पोर्टुलाका। और अभी दिख रही है हरियाली, पता नहीं यहाँ पे देखो कहाँ बना है। ये आपके फ्लावर खिले हुए अच्छे लग रहे हैं ना, खत्म कर दिए क्या? लिली भी यहाँ पे, रेन लिली। नाया कि नहीं नाया था? नाया कि नहीं नाया? तू ही देखो, ये रहा फ्रिज जो उस दिन लाया था उन्होंने, बहुत मुश्किल होता है वैसे। ये देखो पुराना फ्रिज, ये तो बहुत छोटू था। हाँ, ये मम्मा को मिला था दहेज में। इस फ्रिज की पता है ये तो कितना था? ये 170 का था शायद, ये कितने का था?
180 का लेकिन इसमें एक खास बात है, इसकी सारी ये प्लास्टिक की और ये अच्छी वाला प्लास्टिक था, और ये वाली भी अच्छी है इसकी। बाकी एक इसके अंदर ट्रे थी वो भी ठीक थी, और इसमें क्या है, इसमें शीशे की है तो ओल्ड इज गोल्ड, सुबह ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सारा यार ये रहा इधर से काफी बड़ा है, 190 का ये 188 देखो ये भी काफी बड़ा है। इसमें स्टैंड भी नीचे, स्टैंड तो इसका पुराना ही है, दिखाओ जरा खोल के। इसमें ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी, ये वाली शीशे की है ना, शीशा कभी भी टूट सकता है तो शीशे का थोड़ा खतरा रहता है। और एक्सरे मुझे नहीं पता क्यों दी, बंद कर दो, बंद बंद कर दो, जैकी तो खाता है ना। चलो बंद करो, बंद 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 बंद, इसको खुला मत रखो अदरवाइज इसमें आइस जमने लग जाएगी, बंद कर दो। यहाँ पे अम्मा भी काम कर रहे हैं, दादा भी काम कर रहे हैं, अरे यहाँ का नजारा लग नहीं रहा है कि पहले बारिश हुई थी, पत्ती गीले नहीं है, रोड गीली नहीं है, बट यहाँ पे काफी बारिश हुई है पहले, मतलब धूप भी तेज आ गई ना। फिर जैकी महाराज चढ़े हुए हैं बरंडे पे, जैकी क्या राधिका गौरी अंदर सोए होंगे अपने, यहाँ शिवा तो आप चैनल और आप इंस्टाग्राम पे चैनल जरूर विजिट करना। ये हूँ मैं और मैं ऐसे ही रील बनाऊंगी, हाँ तो फिल्टर लगा के तो अच्छे लगे ना। ठीक है फिर, तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि हमने पार चाय नहीं पी थी, हम जैसे आए उधर रुके थोड़ी देर, और रुके थोड़ी देर के सामान वगैरह रखा और फिर हम आ गए। हाँ अब तो आप क्या करो, नीचे कमेंट्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दो, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सुबी तेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सुनो अगर नीचे लिंक डाल दो कमेंट में तो वो देखेंगे ना, देखोगे ना, तो देखो फिर और फॉलो भी कर लो, देखना ही नहीं है सिर्फ फॉलो, और हाँ लाइक भी कर लेना। और सबसे पहले वीडियो है जेठा रात वाली वीडियो की, है ना। अच्छा ये पता है कब का है ये जो इंडक्शन है, आप गैस करके बताओ, गैस करके बताओ कि इंडक्शन कितना साल पुराना होगा? ये मैरिज का है। हाँ सही बोला, ये 14 साल पुराना है, 14 years old ये पुराना इंडक्शन है और अभी तक चला ही है। पीनी है चाय? हाँ देखो मैं दिखाती हूँ पहले कैसे होता है इंडक्शन, देखो 14 साल पुराना। ये देखो इसमें ना ये ऑन ऑफ का बटन है एक, और यहाँ से पावर मतलब ये खुद ही ऑन हो जाता है, यहाँ से प्लस टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इसमें सिर्फ 240 degrees से ज्यादा नहीं है इसमें, काफी अच्छा यार। ये देखो चाय बन गई, 80 पे कम हो जाएगा ना, 80 पे जैसे कम करेंगे ना यहाँ से कम हो जाएगा, 80 पे कम हो जाएगा तो बस ये ना बाहर नहीं जाएगा, ये खुद उबलती रहेगी और थोड़ा सा ऊपर आके खुद नीचे चली जाएगी। गुड यार बहुत अच्छा है, बड़ा जल्दी बन जाता है इसमें खाना भी, और तो मैं आशीर्वाद बात है स्टेनलेस स्टील के बर्तन चलते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो चाय ना बस अपने लिए बन रही है, मतलब मेरे लिए और बच्चों के लिए, पति देव के लिए, बाकी मम्मी जी पिताजी ने पी ली थी तो उनको नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी जस्ट अभी पी थी, तो वैसे मेरा मूड नहीं होता, मैं ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करती, लेकिन पति देव के लिए फिर मैंने कहा इनको बना देती हूँ तो फिर खुद भी पी लेते हैं, क्योंकि अकेले चाय पीने का मन नहीं करता। और वहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी जी और पिताजी लहसुन निकाल रहे हैं क्योंकि लहसुन का सीजन अब ऑफ हो गया है, बाकी मम्मी जी गोभी वगैरह देख रहे थे। ओ राधिकू ये सब कुछ खा लेती है, और फिर आती है हमारी गौरी रानी। राधिका तू तो दिखा दे मुखदा, ये मुझसे बहुत डरती है, अरे इसके सामने फोन रखते हैं ना खाने को आती है। आप क्या देखना, आपको प्यार नहीं किया हमने है, तू भी अच्छा बच्चा है ना, पूछ का पीछा कर रहा है, पूछ का पीछा कर रहा है, अब पूछ का पीछा कर रहा है, जाके पूछ का पीछा कर रहा है, उधर अम्मा हेलो कर दो इधर, हाँ हाँ हेलो, दोनों लड़ाई करते थे ना, अब देखो क्या कर रहे हैं, देखो कितनी गहरी दोस्ती हो गई राधे।
इस बार ना बारिश बड़ी अच्छी हो रही है, मतलब सर्दियों में तो आपने देखा सर्दियों में तो ज़्यादा सर्दियाँ हुई नहीं, क्योंकि सर्दियाँ लेट ही पड़ी हैं तो अभी तक सर्दियाँ नहीं उठ रही हैं, मम्मी जी ने स्वेटर पहना हुआ है, तो इस वजह से फिर फसल जो किसानों की थी वो पहले जब बारिश थी तब हुई नहीं तो बर्बाद हो चुकी है। बाकी कुछ हमारा अभी बारिश अच्छी हो रही है तो लहसुन वगैरह हमारा हमने निकाल दिया, थोड़ा बहुत अपने लिए बीजा होता है, और वहाँ पे मम्मी जी काउ मिल्किंग कर रहे थे, और हमारी हो रही है अभी वापसी घर की तरफ, क्योंकि मुझे जाकर के खाना वगैरह भी बनाना था तो इसीलिए हम आ गए थे फिर। और सामान इतना ज़्यादा हो गया था, मैंने 2-3 थैले उठाए थे लेकिन काफ़ी भारी थी ये, कुछ बुक्स वगैरह भी थी जो मैंने कहा कुछ टेस्ट उस्ट की तैयारी भी करते हैं, पता नहीं होती है नहीं होती है क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं निकाल पाती। मैं दोनों चैनल में अपने वीडियो डालना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पाती। और यहाँ पे सुब्बी की कोई शरारत चल रही है शिवा के साथ, मैं करूँगी इसके साथ एक ट्रेंड, आ जाओ देख रहा है सादी जिंदगी है ठावली है निसानु है रगे जिदी परवा आवली है पूछ वो गन आ गया आ गया शिवा आ गया मारने के लिए। तो अभी घर में पहुंचने के बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और मेरे को शिवा को भी पढ़ाना था, तो मैंने पतिदेव को बोला, मैंने कहा आप इसको थोड़ा सा पढ़ा दो, लेकिन उसकी एक खास दिक्कत है कि वो औरों के पास पढ़ता नहीं है, मतलब वो और डांटेंगे मेरे उसको वैसा, और फिर मैं डांटती भी रहती हूँ तो उसी तरह से उसको पढ़ाती भी हूँ, तो मेरे को वो टेंशन था क्योंकि फिर उसको नींद लग जाती है और फिर वो सो जाता है। तो आज जैसे दिन को भी उसने रेस्ट नहीं किया था तो फिर दिमाग में ये टेंशन थी कि कैसे इसका होमवर्क होगा। फिर यहाँ पे पतिदेव भी आए थे बीच में कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तो फिर मैंने उनको बोला नहीं तो आप शिवा को पढ़ा लो मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसका एक दो चीज़ों का होमवर्क भी हो जाता तो मैंने कहा वो काफ़ी था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से क्या किया, पत्ता गोभी नहीं सॉरी जो फूल गोभी है ना हमारी अपनी लगी थी तो वो मैंने निकाली और गोभी मैंने यहाँ पे बना दी, गोभी को तड़का दिया फटाफट से, आटा मैंने कहा गिला करके रखती हूँ फिर थोड़ा सा देख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए पतिदेव आगे और बोल रहे थे मैं गूंथता हूँ आटा, तो मैंने इनको मना कर दी, मैंने कहा आप शिवा को पढ़ाओ, तो बोलते मेरे से नहीं पढ़ रहा है वो, क्योंकि ये उतना डांटेंगे भी नहीं और वो भी फिर मुंह फुला के बैठ जाएगा और वो पढ़ेगा नहीं। मैं उसको थोड़ा सा स्टिक से डराती हूँ या कुछ भी या प्यार से जैसे भी, मतलब क्योंकि माँ को तो पढ़ाना ही पड़ता है बच्चे को, चाहे वो जैसे मर्जी रूल अपनाए उसी को ही पता होता है। तो बस यहाँ पे भाई खाना डिनर बन रहा है रात, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर रहे हो जी, आप देखो मम्मा पेंटिंग नहीं कर रहे हो, कलर कर रहे हो आप, देखो ये तो राइम बन गई, अब हो गया रात, क्या कर रहे हो आप, शिवा सो रहा है यहाँ पे, और ये वाली पेंटिंग ना सुब्बी ने बनाई है, दिखाओ जरा ढंग से दिखाओ, इसको कलर करने को दे दिया इसने अपने पापा को, पेंटिंग ऐसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कलर कैसा लगा आपको, कलर कौन सा कलर करोगे आप इसमें, अगर आप ग्रीन कर रहे हो अभी फिर कौन सा कलर करोगे, रेड, ग्रीन और रेड कॉमन होता है ना, जो आप देते जाओगे जी, ग्रीन और रेड कॉमन है, ग्रीन रेड करो, फिर येलो भी कर सकते हो आप बीच में, तो वही हो रही है, येलो येलो भी है, अच्छा लगेगा, डार्क कलर अच्छे लगते हैं, मतलब है किसके लिए सुबह ड्राइंग, पता नहीं सर ने मंगाई है स्कूल में, कौन से सर ने, जो भरतनाट्यम करवाते हैं सर, वो हिमाचल के बेस्ट डांसर है, अच्छा ठीक है। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म करी हूँ, आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा, गुड नाइट।